कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अपने दो दिवसीय दौरे पर पिपरवार पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीण इलाके में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनता दरबार का भी आयोजन किया, जिसमें विधायक अंबा प्रसाद ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समस्याओं से संबंधित समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने को लेकर राज्य सरकार की कोशिशें जारी है। वहीं उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गरीब किसानों और विस्थापित रैयतों की जमीन लूटने का काम करती थी। उन्होंने कहा कि CCL और NTPC से जुड़े रैयतों को उनका हक दिलाने को लेकर संघर्ष करते रहेंगी। जनता दरबार लगाए हुए हैं और जो भी जनता का समस्या है एक एक करके अपना समस्या रख रहे हैं, उसका तुरंत ब्लॉक के लेवल से अगर कुछ काम है तो उसको तुरंत वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ हम सरकार के स्तर का चीज़ है तो वो हमने नोट कर रखा है, और भी CCL क्षेत्र से रिलेटेड जो भी समस्या है, जो CCL कंपनी से रिलेटेड है, जो उनके अंतर्गत आते हैं, वो भी हमने CCL के जो PO या फिर GM साहब है उनको भी अवगत कराया है, और साथ में अब उसको अपने लेटर टाइप।